गुरु गोविंद सिंह जी के 392वें गुरुपर्व के ऊपर अभी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, और साथ में लोहड़ी का त्यौहार भी है, इन सबको देखते हुए। शमी जी, मैं एक बात पूछूंगा आपसे, जिस तरह नगर कीर्तन के दौरान एक अखाड़े का जो एक झांकी निकाली जाती है, मैं इसमें लोगों को कुछ नहीं पता है क्यों निकालते हैं, शायद आप इसके लिए बता सकते हैं कुछ। ये हमारा खुशी का त्यौहार है, हिंदू कौम की रक्षा करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्म दिहाड़ा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अपने चारों बच्चे अपने जो हमारे हिंदू धर्म के लिए कुर्बानी कर दिए, जो आज उनका जो हमारे गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह दसम पेशा, उनकी याद में हम लोग ये त्यौहार बड़े खुशी के साथ मनाते हैं। इसमें स्कूलों के बच्चे, अखाड़ा जो आप बता रहे हो, गए कीर्तनीय जत्थे, हम सब मिल के सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे शुरू हो जाते हैं, और पूरा दिन ये नगर कीर्तन वगैरह करते हैं, प्रभात फेरियाँ निकालते हैं, और अपने गुरु का जन्मदिन मनाते हैं। जितनी भी साध संगत होती है एक साथ इकट्ठा होकर सेवा करती है पूरा नगर कीर्तन निकालने के लिए, उन सबके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हिंदू सिख धर्म के अलावा हमारे साथ हर बरादरी के लोग, जैसे मेरे साथ ये वीरपाल जी हैं, ये गुज्जर हैं, हिंदू धर्म से हैं, ये हमारे सुबह 4 बजे के हमारे साथ हैं, ये सिंधी समाज से हरीश मुनानी जी हैं, ये बबलू जी हैं, ये अपने हमारे RW के प्रधान हैं, ये जाट बरादरी से हैं, जाट भाई भी हैं, गुज्जर भाई भी है, सिंधी बरादरी भी है, सिख समाज भी है, सभी लोग हम सुबह 4 बजे के निकले हैं, और अपने गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म दिहाड़ा है पूरी धूमधाम से और पूरे हरलाशपुर से हम सारी जातिकरण के लोग इकट्ठे होकर मना रहे हैं। मैं गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव 352वें प्रकाश उत्सव पे पूरी साध संगनों नगर कीर्तन पे आए सभी जो भी लोग आए हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में लोहड़ी का त्यौहार जो आज का दिन ही है उस पर भी पूरे देशवासियों को लख लख बधाई देना चाहना। साइकिल जी, जिस तरह नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है इसके बारे में कुछ बताएं आप। सर, इसके बारे में आज धन धन गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव 352 बड़ी धूमधाम से पूरी इंडिया में मनाया जा रहा है, और ख़ास करके हमारी कॉलोनी जो जीवन पार्क, इंदिरा पार्क, महिंद्रा पार्क, चांदका प्लेस, अनूप नगर, सब मिलके नगर एक विशेष नगर कीर्तन निकाला जा रहा है जो कि गुरुद्वारा जीवन पार्क से शुरू हुआ था। सर, मैं चाहूँगा इस अवसर पर आप गुरु गोविंद सिंह जी की जो कुछ तमाम बातें थी जो वो कहा करते थे सभी के साथ, वो कुछ आप कुछ बातें अहम बताएं हमारे। सर, गुरु गोविंद सिंह ने अपना चारों बच्चे मारे हैं जो कि पीछे भी सीधी को दिहाड़ा भी गया भी है, 25 से लेकर हमारे 22 से लेकर 27 तक हमारा जो, तो गुरु गोविंद सिंह ने काफ़ी प्रोपकार किया है, उसके बारे में बाद में आपसे डिस्कस करेंगे के बारे में। लोहड़ी का भी त्यौहार है, लोहड़ी की क्या शुभकामना देंगे सभी को आप? लोहड़ी का हमारा खासकर पंजाबियों का बहुत बड़ा त्यौहार है जो कि हम सारे मिल मिला के मनाते हैं इसको। आज जो है हमारे सिखों के 10वें गुरु साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का 352 प्रकाश पर्व है, जिसके उपलक्ष में हमारी यहाँ गुरुद्वारे में बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी। आज उस गुरु महाराज के प्रकाश पर्व पे हमने नगर कीर्तन प्रभात फेरी के रूप में निकाला, जो पंच प्यारों की अगुवाई में और गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया में जो है साध संगत के सहयोग से निकलता हुआ मिलाप नगर वगैरह सब जगह होता हुआ और हमारे गुरुद्वारा साहब आया है, और ये वो गुरु का, महान गुरु का प्रकाश पर्व है जिन्होंने देश और कौम की खातिर अपने पिता को देश के लिए निछावर कर दिया, अपने 4 साहबदादों को और अपनी माता को जो है वो कौम की खातर, देश की खातर जो है वो कुर्बान कर दिया। आज उस महान योद्धा, उस वीर सिपाही, हमारे दशम गुरु साहेब श्री गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व है। गुरु गोविंद सिंह जो गुरुपर्व है उसको मैं सब साध संगत को बधाई देता हूँ। सर, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपर्व है 392 और लोहड़ी का त्यौहार भी है, क्या कहना चाहेंगे? गुरु गोविंद सिंह जी के 352वें प्रकाश पर्व पर पूरी संगत ने आज यहाँ पे एक छोटा सा उपराला किया है, लंगर थोड़ा सा प्रसादा बांटा है, और सबसे पहले तो गुरुपुरब की सबनू बधाइयाँ, तो लोहड़ी की बधाइयाँ, तो अपने सारे समाज दे मिल के, हिंदू तो सिखा ने मिल के जो गुरु की सेवा की है वो मैं बार बार बहुत बहुत अपनी पूरी टीम के वालों बधाइयाँ देता। नगर कीर्तन चाहिए सारी संगतों को लख लख बधाई हो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुपुरब, लोहड़ी, मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।